हेलो एवरीवन, आज हम लेकर आए हैं मैगी बनाने का एक नया तरीका, मैगी का नया वर्जन। हमें एक पैकेट मैगी लेनी है और एक बाउल में सारी मैगी निकाल लेनी है पैकेट से, और मैगी मसाला हम अलग रख लेंगे निकाल कर। और हमने एक बड़ा साइज़ का प्याज काट कर बारीक बारीक तैयार कर लिया है। प्याज को हमें बारीक ही काटना है और इसे हमें बारीक मैगी के लिए हाथों से तोड़ लेना है, इसको क्रश कर लेना है। आपने 2 मिनट वाली मैगी बनाकर और वेजिटेबल वाली तो बहुत बार बना खाई होगी, एक बार आप ऐसे बनाकर देखें, आपको बहुत पसंद आएगी। और जो हमने प्याज काटा है वो भी इसमें डाल देंगे, और हम साथ ही डालेंगे जो हमने मसाला मैगी वाला मसाला वो भी इसमें पाउच काट के डाल देंगे और इन्हें मिला देंगे। ये बिल्कुल एक नए तरीके से मैगी बना के तैयार कर रहे हैं। शायद आपको अच्छी लगे ये रेसिपी, तो वीडियो आप लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें और कमेंट करके बताएं आपको ये मैगी बनाने का तरीका कैसा लगा। और तो हमने 2 चम्मच मैदा ली है और इसे हमें पानी में घोलकर इसे पतला सा पेस्ट बना लेना है। इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए, और सारी जो हमने घोल बनाया इसमें डाल देंगे मैगी में और मिला देना है। आप इस समय कुछ अपनी पसंद के और भी मसाले इसमें ऐड कर सकते हैं। और हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच शेजवान सॉस, वो भी इसमें हम डालकर मिला देंगे। और अब लेना है हमें एक पैन या कढ़ाई, आप जिसमें भी बनाएं, और उसमें हमें बटर या घी का इस्तेमाल करना है। और ये अच्छी तरह मिला के हमने तैयार कर लिए। इसमें हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस इतना ही रखना है। और थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, वैसे तो नमक होता है मैगी वाले पाउच में, हल्का सा डाल देते हैं। तो हमने प्याज वगैरह भी डाली है, और ये हमने डाला है तंदूरी मसाला 1 चम्मच, इससे टेस्ट और कलर दोनों ही अच्छे आएंगे। हम देसी घी ले रहे हैं, ये हमने 2 चम्मच देसी घी लिया है, इसमें अच्छी तरह फैला देंगे कढ़ाई में। और अब जो हमने मैगी का घोल बना के तैयार किया है वो इसमें हमें फैला देना है सारा। और हाँ, हमने थोड़े से लहसुन भी लिए, 1-2 लहसुन की कलियाँ हैं, सब बारीक कद्दूकस कर लें, इससे इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। वो भी हमने साथ में इसमें ऐड कर दी हैं, जो पकेंगी तो इसके साथ इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। अगर लहसुन खाते हो तो डालें, नहीं खाते हो तो नहीं डालें। और इसे हमें गोल शेप देनी है और इसे ढककर कुक करना है। गैस को आप लो टू मीडियम रखें, एक बार चेक कर लेते हैं, और साइडों से थोड़ा सा देसी घी और डाल देंगे, क्योंकि ये अच्छी तरह पक जानी चाहिए, कच्ची नहीं रहनी चाहिए, और एकदम क्रिस्पी करारी बनकर हमारी मैगी तैयार होगी। अब ये एक तरफ सिक जाएगी तो हमें इसे पलटना है, साइड से करछी से छुटा लें आराम से, ये टूटे नहीं। और थोड़ी देर लिए ढक के और कुक कर लेते हैं। अब एक बार चेक करते हैं इसे हम, और इसे पलट देते हैं। एक प्लेट की सहायता से आप ऐसे पलट दें, इसे आसानी से पलट जाती है। और बाद में फिर हम इसी पैन में साइड के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, तो एक साइड पक चुकी है, हमें दूसरी साइड भी इसे पकाना है। और देखिए कितनी सुंदर लग रही है देखने में, बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हुई है मैगी, खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती है। और अब इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे चीज़, और इसे हम ढककर थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे, जब तक ये चीज़ मेल्ट होगा, इतनी देर के लिए और कुक करना है। ये बच्चों को तो पसंद आएगी, बड़ों को भी बहुत पसंद आएगी मैगी, आप एक बार ऐसे बना कर देखें। और ये मैगी बनकर तैयार है, चलिए इसे निकालते हैं प्लेट में। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।